नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपका। आज हम लोग अपनी वीडियो में उष्ट्रासन या कैमल पोज सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा जो लोग योगा प्राणायाम एक्सरसाइज सीखना चाह रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों बात करें कैमल पोज की या उष्ट्रासन की। दोस्तों जितने भी योगासन होते हैं उनकी पोजीशन के हिसाब से, जैसी पोजीशन होती है उस हिसाब से उनके नाम रखे गए हैं। तो हम जो कैमल पोज है उष्ट्रासन करने वाले हैं उसमें जो पोजीशन रहेगी ऊँट या कैमल के समान रहेगी, इसलिए इसको उष्ट्रासन बोलते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको करके दिखा देता हूँ कि उष्ट्रासन होता क्या है, फिर हम लोग इसको सीखेंगे। ये जो होता है ये होता है उष्ट्रासन या कैमल पोज। इसको सीखने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ वार्म अप कर लेते हैं, ठीक है। प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5, ये करेंगे दोनों हाथों को सामने रख के, उसके बाद में थोड़ा सा करेंगे, हम लोगों को कमर पे हाथ रखना है, ठीक है, फिर से डाउन होना है, ठीक है। ये अपना अर्ध या हाफ उष्ट्रासन हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हमको धीरे धीरे एक हाथ को अपने एड़ी पे रखेंगे, ठीक है, उसके बाद दूसरे को रखेंगे। अब कुछ लोगों से ये नहीं होगा तो क्या करना है, एड़ियों को ऊपर उठा कर रखेंगे, पंजा जमीन पर, अपने अंगूठा उंगलियां जमीन पर रहेगी, एड़ी ऊपर रहेगी दोनों पैरों से, ठीक है। इसके बाद में कमर पे हाथ रखेंगे, फिर अपने एक हाथ को ऐसे उंगलियां कर रखने की कोशिश करेंगे, उंगलियों को एक हाथ की उंगलियां रखाई फिर दूसरे हाथ की उंगलियों को रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। शुरुआत में उंगलियां रखो, ठीक है, उंगलियों के बाद में आपको उंगलियों को थोड़ा थोड़ा डाउन लेके जा रहा है, नीचे धीरे 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 डाउन लेके जाएंगे, एक हाथ से करो, एक हाथ की हथेली रखेंगे, एक हाथ की उंगलियां रख रहे हैं दो, फिर धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेली आ जाएंगी एड़ी ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, इसके बाद में आपको धीरे धीरे अपने एड़ियों को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा। यदि नहीं हो रहा ये भी तो अगले स्टेप से बता रहा हूँ आपको, उसको फॉलो करिएगा। अर्ध कैमल पोज बनना है, ठीक है, फिर आपको एक पैर उठाना है, उसको नीचे ले जाइए, दूसरा पैर उठाना है, हाथ से टच करेंगे उसको नीचे ले जाना है, तो ये हो गया, ठीक है। ये इतना भी नहीं हो रहा है तो इसको आप एक और एक्सरसाइज है, इसको करिए इस तरीके से, हाथ को पोज लेना है, हमको क्रॉस में अपने एड़ियों को टच करना है इसे। इससे क्या होगा, आपके पेट की चर्बी वो कम होगी और अपने पेट में कमर में स्ट्रेचिंग आएगी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, फिर आप लोग कर पाओगे इसको आराम से। इस तरीके से करना है, ये हाथ ऊपर वाले ऊपर रहेगा, नीचे वाला क्रॉस में एड़ी को टच करेगा इस तरीके से, ये सारे स्टेप्स फॉलो करिए, आप लोग नो डाउट आराम से उष्ट्रासन बन जाओगे, ठीक है। अब बात करें एडवांस में, इसमें एडवांस कहां तक पहुंचेंगे, यदि आप लोगों से कैमल पोज आराम से हुआ रहा है इस तरीके से, इसको एडवांस लेवल पे लाएंगे। अब आपको हथेलियों को जमीन पे रखना है, इधर से देख लो, ठीक है। इतना करने के बाद में हमको अपने छाती को और पेट को ऊपर की तरफ तानना है, गर्दन को नीचे रखना है। तो दोस्तों इसको आप अपनी क्षमता के हिसाब से रख सकते हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट तक कर सकते हैं,
ओके। अब दोस्तों इसको करने के बाद में आपके कमर में हल्का सा पेन होता है, तो आप इस तरीके से बालासन हो जाइए, शिशु आसन बालासन में बैठ जाइए, या फिर इसको आप लोग केट काऊ पोज या फिर माचारी आसन कर लीजिए। ऐसे सांस लेते हुए, सांस लेते ऊपर कमर नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, रीढ़ की हड्डी अपनी पेट पीठ ऊपर, इस तरीके 10 times कर लीजिए इस तरीके से आप। अब दोस्तों उष्ट्रासन से होने वाले फायदों की बात करें तो आप लोग इसको रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद ही देखिए, खुद ही आप लोग एनालिसिस करेंगे कहाँ कहाँ फायदा हो रहा है। सबसे पहले इस तरीके से बैठे हैं तो सबसे पहले तो आपके घुटनों का एक्सरसाइज होता है, ठीक है। दूसरा हम लोग स्टेप है, कमर पे हाथ रखेंगे, अर्ध उष्ट्रासन बनेंगे, ठीक है, इससे आपकी कमर लचीली होती है। तीसरा हमारे हैंड्स एड़ी पे जाते हैं, आपके शोल्डर्स ओपन होते हैं, शोल्डर्स के लिए अच्छा है, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे कि आपकी छाती से उभरती है, ठीक है, छाती उभरती है, आपका पेट खिंचाता है तो आपके पेट की चर्बी कम होती है, रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग होती है, ठीक है। गर्दन नीचे करके रखेंगे ऐसे तो आपकी गर्दन की एक्सरसाइज होती है, शोल्डर्स की एक्सरसाइज हो रही है, नेक की एक्सरसाइज हो रही है। किसी भी एक्सरसाइज से होने वाले लाभ को याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग उसकी पोज को देख लीजिए, कहाँ कहाँ एक्सरसाइज हो रही है, कहाँ कहाँ स्ट्रेचिंग हो रही है, तो वहाँ वहाँ फायदा भी होगा। दोस्तों इसको अन्य फायदे की बात करें, फैटी लीवर कम होता है, आपका मोटापा कम होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, इससे आपका हार्ट अच्छे से फंक्शन करेगा, आपका लंग्स प्रॉपरली फंक्शनलिटी अच्छे से करेगा, श्वसन तंत्र को फायदा होता है, आपके हार्ट के आसपास जितना भी चर्बी जमी है वो दूर होगी, आपका शोल्डर्स ओपन होता है अच्छे से, पूरा ओपन हो जाता है, इससे बहुत सारे फायदे हैं। इसको करिए, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाले हैं आपको। वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद।